आपका अपना दीक्षित वर्मा और आप हैं मेरे साथ। इस समय मैं हूँ धौलाधार पर्वत श्रृंखला के नज़दीक। तो अभी हम जाने वाले हैं धर्मशाला टी गार्डन। टी गार्डन के साथ साथ हम आपको धर्मशाला टी फैक्ट्री में भी लेके जाएंगे। तो ये टी फैक्ट्री ऐसी है जहाँ की चाय एक्सपोर्ट होती है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। फिर हम पहुंच गए धर्मशाला टी गार्डन। चाय के बागानों की खूबसूरती निहारने के बाद हम आगे धर्मशाला टी कंपनी की ओर चल पड़े। और फाइनली हम पहुंच गए धर्मशाला टी कंपनी। सीजन ना होने की वजह से कंपनी का प्रोडक्शन अभी बंद था, लेकिन हमें चाय के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। तो इस समय मैं पहुंचा हूं धर्मशाला टी कंपनी। तो यहां पे हमारे सामने काफी वैरायटीज है टी की, और हमारे लिए कुछ बताएंगे भैया जी टी के बारे में। जी, सबसे पहले जो आपकी जो चाय रहेंगी वो मेन आपकी दो चाय रहेंगी, ब्लैक टी और ग्रीन टी। उसके बाद आपकी जितनी भी चाय आती है वो आपकी फ्लेवर टी में आती है। ठीक है, जो ब्लैक टी के हमारे पास जो ग्रेड निकलते हैं वो मैक्सिमम निकलते हैं 6 से 8 ग्रेड निकलते हैं। जो हम सेलिंग के लिए यहाँ पे जो रखते हैं, हम ब्लैक टी के 2 ग्रेड रखते हैं, एक आपका लीफ ग्रेड, सेकंड आपका ब्रोकन पार्ट ऑफ द लीफ। तो लीफ ग्रेड आपका ये वाला आएगा, जिसके उसके ऊपर ये मेंशन भी किया हुआ है, होल लीफ प्रीमियम फाइनेस्ट टिपी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पिको। इसकी जैसे शॉर्ट फॉर्म रहती है FTG FOP1। मीन्स इस चाय में जो आपका लीफ यूज़ हो रहा है वो आपका फाइनेस्ट लीफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, गोल्डन फ्लावरी कलर, जो उसका जो ऊपर बड जो आएगा आपको आएगा वो गोल्डन कलर का आएगा। फ्लावरी ऑरेंज पिको, जो उसका आपको लीकर आएगा चाय का, ऑरेंज कलर का आएगा। ओके, तो उसमें आपका लीफ का फाइन लीफ जाता है उसमें, जो लीफ की जैसे लीफ की जो बड़ी क्वालिटी होती है बड अंडर 2 लीफ वो आपकी फाइन लीफ रहती है। उसके नीचे का जो पार्ट आपका 3rd, 4th, 5th लीफ जो है वो आपका लीफ रोलिंग के टाइम पे क्रश हो जाता है, वो आपका नीचे वाले ग्रेड में चला जाता है। ठीक है, जो इसमें जो है इसमें आपका ब्रोकन पार्ट ऑफ द लीफ है। ओके, सामने में अगर इसके आप सैंपल देख रहे हो तो ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द लीफ पूरी लीफ ग्रेड। ओके, ठीक है, इसमें जब आप चाय बनाओगे तो इसमें आपकी लीफ पूरी भी खुल सकती है, हाफ भी खुल सकती है। ओके, क्योंकि ये आपकी मशीन रोल्ड है। सिमिलर आपका ग्रीन टी आ गया, तो इसका बनाने का तरीका अलग अलग है। लीफ आपका एक ही गार्डन से आएगा, बस बनाने का तरीका सब चेक अलग है। जब ब्लैक टी आपकी आ रही है तो उसका वेट होगा, वेट के हिसाब से वो ट्रफो में जाएगा, उसमें विदरिंग होगी, विदरिंग के बाद रोलिंग चलेगा, फर्मेंटेशन चलेगा, ड्रायर फिर शॉर्टिंग। ओके, और ग्रीन टी में लीफ आपका पहले स्टीम होगा, स्टीमिंग के बाद वो रोलिंग में जाएगा, रोलिंग के बाद सीधा ड्रायर में जाएगा। ओके, मीन्स उसमें फर्मेंटेशन का सेशन जो वहाँ पे कट हो गया। ओके,
चाय बनाने का तरीका अलग है, लीफ आपका एक ही गार्डन से आएगा, ये है ग्रीन टी। ओके ग्रीन टी, ठीक है जी। जो ग्रीन टी का जो आपको लिखकर आपको आएगा वो लेमन कलर का आएगा, ठीक है, उसका टेस्ट हल्का सा गले में लगता है क्योंकि ग्रीन टी आपका अनफर्मेंटेड टी है। ग्रीन टी की हमारे पास जो पैकिंग है वो 250 ग्राम की पैकिंग है। ओके ओके, इसके साथ वो आपके ये वाले टी बैग्स रहेंगे ग्रीन टी, ये है टी बैग्स। ओके, उलोंग टी इस चाय को आप स्पेशल टी बोल सकते हो क्योंकि जब ब्लैक टी बन रहा है आपका या ग्रीन, उसकी ग्रेडिंग ग्रेडिंग जो हम यहाँ पे आके करते हैं। ओके ठीक है, ब्लैक टी में आपके 6 से 8 ग्रेड निकलते हैं, ग्रीन टी में आपके 3 से 4 ग्रेड निकलते हैं जी। जब आपका उलोंग टी निकलेगा तो उसमें आपका फाइनली प्लक होगा। ओके 502 देगा आपको। ओके जी, इसमें इसके बाद जितने भी आपके ग्रेड आते हैं वो सारे आपके फ्लेवर और उसके पेटल्स को हमने ऐड किया, उसको बॉक्स में डाल के 45 या 60 दिनों के लिए इसको सील करके रख दिया, तो उसमें आपका रोज का फ्लेवर आ जाएगा। ओके, सिमिलर आपका फिर सैफन है तो सैफन आपका ग्रीन टी के साथ ब्लेंड होगा। ओके ठीक है, कश्मीरी कावा है तो कश्मीरी कावा में आपका आलमंड रहेगा, सैफन रहेगा, कार्डमम रहेगा। ओके ठीक है, लेमन टी के साथ में है, ये है लेमन ग्रास है ना। ओके ठीक है जी, कैमोमाइल आपका आ गया। ओके कार्डमम ग्रीन टी आ गया। वाओ, अर्ल ग्रे आ गया, अर्ल ग्रे में आपका अर्गमेंट ऑयल का एसेंस डालता है उसमें। ओके इस चाय को छोड़ के बाकी जितनी भी चाय आप देख रहे हो किसी में भी आपका चाय का एसेंस नहीं है। अगर रोज टी है तो रोज के पेटल्स रहेंगे, सैफरन है तो उसमें सैफरन रहेगा, वो आपको दिखेगा। और ये जो भी चाय आपके टी बैग्स में नॉर्मली आपके लोअर ग्रेड की चाय जाती है, जो चाय आपकी रोलिंग के टाइम पे या ग्रेडिंग के टाइम पे क्रश हो जाती है। ओके, और हमारे पास जो ग्रीन टी के टी बैग हैं या जो भी टी बैग रहेंगे वो हमारे नायलॉन के रहते हैं, तो इसमें आपका लीफ ग्रेड ही जाता है वो। नॉर्मल टी बैग्स में, उस टी बैग्स में क्या डिफरेंस आता है, वो आपके दूसरे टी बैग आपके पेपर के रहते हैं और ये वाले टी बैग आपके नायलॉन के रहेंगे। जैसे आपकी डिप करते हो तो पेपर वाला टी बैग एकदम से कलर छोड़ता है, मगर जब नायलॉन वाला टी बैग डालोगे तो 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा वो, क्योंकि उसमें आपका लीफ ग्रेड डाला हुआ है। ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोगों ने चाय ली है ग्रीन टीज, तो चलिए मिलते हैं। काफ़ी नाम सुना था धर्मशाला टी, तो आज हम धर्मशाला टी कंपनी में पहुंच गए हैं और हमने यहाँ से 2-3 प्रकार की चाय खरीदी है। दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि यहाँ पे प्रोसेस कैसी होती है। इसके बाद हम अपने अगले सफर की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।